खबर है मुंबई के उपनगरी इलाके गोरेगांव के आरे कॉलोनी की, जहां पर जमीन को लेकर वहां के भूमिपुत्र आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष अनिल दलवी और उनके परिजनों की, जिनका कहना है कि आरे दुग्ध संस्था उनकी पुश्तैनी जमीन को उनसे ही छीन रहा है। तो दूसरी ओर शासन प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और यहाँ तक कि उनको इस मामले में जेल की हवा भी खानी पड़ी। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। ये जमीन मेरे पुरखों की है और यहाँ मेरे दादा परदादा खेती करते थे। पहले वो कुल थे, 1457 को उनको कुल से मालिकाना अधिकार मिल गया। उसके बाद में बहुत सारी लड़ाई वगैरह चली और 94 को जो एक्विजिशन में जगह संपादन में चली गई, उसमें से जो 25 घंटा जमीन मिली है वो भी हमें मिलने नहीं दे रहे। आरे कॉलोनी वाले उसको आरे कॉलोनी के पीछे से कोई आरे कॉलोनी वाले को आगे कर रहे हैं, शासकीय यंत्रणाओं को आगे कर रहे हैं और हमें हक से वंचित करना चाहते हैं। ये जमीन की बात की जाए तो जमीन बताइए, आपका कहना है कि आपके पुरखों की जमीन है। दूसरी तरफ जो है आरे कॉलोनी के जो दूध व्यवसायी हैं उनका मानना है कि इसको दावा करने की जमीन हमारी है। अरे पहले आरे कॉलोनी के पहले आदिवासी जब जो पहला रहेगा उसकी जमीन आने वाला ले सकता है ना, कि जो पहला रह रहा है वो दूसरे की जमीन लेगा? वो जमीन आई कहाँ से? आदिवासी लोग की सब जमीन थी आरे कॉलोनी की, उसके ऊपर सरकारी जब दुग्ध यंत्रणा की उसका प्रोजेक्ट जब चलाया गया तो उनके जमीन उनकी उनका हक होना चाहिए ना, कि सरकार ने कहाँ से जमीन लेके आई। तो जो बची खुची उनकी है, जो कि एक्वायर में से संपादन में से बची है, वो भी उनको नहीं मिलने देंगे, उसके ऊपर तो किसी का और आंख होगा, लेकिन सरकार को आगे करके उन लोग आदिवासी लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। आपका जो है जो अभी आगे की रणनीति क्या होगी, मतलब आप इसके लिए शासन प्रशासन या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आपकी किसी से बातचीत हुई इसके लिए? यहाँ देखिए मुंबई के सबरमती के जमीन को भाव जो है आसमान को छूने वाले हैं, तो यहाँ बहुत सारे आदिवासियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। हम लोग तो हमेशा उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम धंधा किए रहे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो हम संगठन बना के चलते, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। सरकार का तो एक बार में पुलिस वाले वगैरह गवर्नमेंट वाले हमारा 7-12 से नाम कभी निकल जाए, प्रॉपर्टी कार्ड का कैसे कभी नाम निकल जाए, इसका हमें कोई भरोसा नहीं। क्योंकि ये जो यंत्रणा में जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो फेंकता है पैसा उसी का काम होता है, बाकी लोग को तो हम लोग को पता भी नहीं। हम लोग तो कोर्ट कचहरी के अंदर 10-10, 20-20, 25-25 साल जाते हैं। आज मेरे ऑर्डर के ऊपर एक SDO लिखा कि दलवी का फैमिली 35 साल से इस अपने न्याय के लिए लड़ रहा है, उसके बाद आज 20 साल हो गए, तो ये न्याय हमारे कौन से पीढ़ी को मिलेगा? ये कोई सरकार तो भी हमको बताएगी, कोई जनप्रतिनिधि हमको बताया कि हमें कब न्याय मिलेगा, कितने पीढ़ियों के बाद? न्याय हुआ क्या? इस न्याय की लड़ाई के लिए आप क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? क्या लगता है, कितनी उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? हमें तो उम्मीद पूरी है, लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग के संघर्ष करने के लिए दूसरा बचा भी क्या है? एक तो हमको अपना आत्महत्या करना पड़ेगा, जान देना पड़ेगा, या तो संघर्ष करना, दोनों में से एक रास्ता चुनना है, तो हम लोग तो संघर्ष का नारा चुनेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, शासन प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से हम यही गुहार लगाना चाहेंगे कि आदिवासी लोग को न्याय मिले, जो पुलिस यंत्रणा उनको प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, वसूल विभाग वगैरह उनको जो तकलीफ दे रही वो नहीं ले रहे, उनसे जो पैसे की उम्मीद करके जो न्याय देना चाहती है, तो उनको आदिवासी लोगों के पास पैसा तो है ही नहीं, तो उन लोग दे नहीं सकेंगे। आज गए साल के नवंबर महीने में भी ऐसी एक घटना बोरली में भी हुई थी, वहाँ भी दिल्ली से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आई, वहाँ से कमिश्नर वगैरह आए, तब यहाँ के लोग थोड़े से डरे। तो ऐसे ही हम लोग दिल्ली तक जा सब लोग के दिल्ली तक जाएं क्या? यहाँ बहुत से ऐसे आदिवासी लोग हैं जो कि बम्बे के बाहर नहीं गए, तो उन लोग न्याय मांगने के लिए महाराष्ट्र सरकार यहाँ न्याय दिलाने के लिए सक्षम नहीं क्या? उनको दिल्ली का ही दरवाजा में हम खटखटाना पड़ेगा क्या? हम लोग आदिवासी तो हम लोग का पूरा तो पुलिस को हम लोग मिलते हैं, हम लोग उधर हमारे जमीन पर जा सकते हैं, जाएंगे तो पुलिस गाड़ियाँ उठा के लेके जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं स्थानीय रहवासी आरे कॉलोनी का नहीं, मैं तो बोरेली में रहता हूँ, लेकिन अनिल दलवी जी के साथ मैं हमेशा से सहकार्य कर, हमारा संगठन में साथ में मिलकर हम हमेशा जो हमारे जो युवाओं को हैं, हमारे जितने भी आदिवासी सब जनसंख्या है, हम उनके साथ मिलकर उनकी समस्या हल करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो जमीन की आपका नहीं, जमीन के बारे में तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो अनिल दलवी जी के साथ हुआ ऐसा वाक्या मेरे साथ भी हो चुका है, और अनिल दलवी जी जैसे 2 बार हवालात में, ऐसे वैसे भी मेरे को भी झूठे केस में 2 बार अंदर डाल दिया है सरकारी अधिकारियों ने मिलकर और पुलिस प्रशासन ने मिलकर। तो ये कहीं ना कहीं हम
हमारे खिलाफ ही हमारी सिर्फ जमीनों को ही क्यों दिखाया जाता है, हमारे विकास की और हमारी समस्याओं की और क्यों नहीं देखा जाता। तो सरकार ने और पुलिस यंत्रणा ने और चाहे मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, इन सबों ने सिर्फ हमारी समस्याओं को ही हल करना चाहिए। हमारी ज़मीनों का जो है मालिकाना हक है, हमारे जो अधिकार हैं हम तक बाकायदा व्यवस्थित मिलना चाहिए, ये हमारी मांग। सरकार की बात की जाए तो जो आदिवासी समाज होता है ये कम पढ़े लिखे होते हैं समाज के, मतलब कहीं कहीं मतलब एक अलग दायरे से लोग इनको देखते हैं। दूसरी तरफ जो लैंड है इनको न्याय दिलाने के लिए आप भी समाज से आते हैं, तो क्या मतलब आपका रास्ता किया करेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं नहीं, हम लोग ने तो देखो आदिवासी तो कभी भी शांति प्रिय है, हमेशा से वो कभी भी, आप हिंदुस्तान में जितने भी आदिवासी हैं उनका अगर आप पिछला रिकॉर्ड चेक करेंगे तो किसी आदिवासियों ने किसी बिना बिन आदिवासी जैसे उच्च जात के लोगों की जमीन हत्याने का कभी ये किया नहीं है। तो आदिवासी को ही जमीन, उसको उसकी जमीन संभालते संभालते उसको पूरी जिंदगी नष्ट हो रही, तो वो दूसरे की जमीन कहाँ हत्या रह जाएगी। तो आप पूरा हिंदुस्तान का अगर एक भी आदिवासी कोई ऐसा होगा जिन्होंने बिना आदिवासी की जमीन उसने हत्याने की कोशिश की है, कामयाब नहीं हुआ है तो बात अलग है, लेकिन कोशिश भी नहीं की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम लोग हमेशा से शांति प्रिय है और हम लोग शांति प्रिय से ही, लेकिन क्या है कि हमारी अशिक्षितता का जो थोड़ा बहुत सरकार उसका जो फायदा ले रही है, सरकारी यंत्रणा जो इसका फायदा ले रही है, ये फायदा लेना बंद करें और हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं हमको दिखाएं, और हमको दिखाने के बाद हमारे साथ सहकार्य करें हर एक चीज़ में, तो ये और भ्रष्टाचार थोड़ा कम करें। जी आपसे आखिरी सवाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या आप जो है गुजारिश करना चाहेंगे, क्या फरमान मुहर लगाना चाहेंगे जी? जी हम लोग ये देवेंद्र फडणवीस जी से तो हम तो यही कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास जो पूरे देश का नारा है, तो हमारा विकास जो हमारे हमारे हक के सेंट्रल से पैसे आते हैं और यहाँ से जो आपके इनकी जो देवेंद्र फडणवीस आपकी जो मिनिस्ट्री के अंदर जितना भी बाकायदा जो फंड आता है जो हमारे उद्धार के लिए होता है, लेकिन वो फंड हम तक कभी पहुँचता ही नहीं है। और इनको आंकड़े ये बताते हैं कि इनको तो 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ रुपया इनके इनकी शिक्षित और इनकी मूलभूत सुविधाएं को अच्छी तरह से बनाने में लग गया, तो पैसा गया कहाँ? अगर वो पैसा गया तो आदिवासी के खाते में क्यों नहीं आया? तो आपके राज्य सरकार के अंदर हमारे इतने कितने आदिवासी बंधु हैं जिनको अच्छी तरह से नौकरी मिली और आज वो अच्छी तरह से खा रहा है, और हमारा कौन सा आदिवासी अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है और अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो किसी सरकारी के बड़े दफ्तर में बाबू का काम कर रहा है या मिनिस्ट्री में है या डिफेंस में है, कोई भी उसमें है। तो हम आप लोगों ने जो खर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ आंकड़े कागजों पे बताने के लिए कर रहे हैं कि वाकई में हमारी समस्याओं को दिखाने के लिए सिर्फ आपका ये जो रवैया है? तो हम लोग देवेंद्र फडणवीस साहब से ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ हमको प्रोटेक्शन ही पुलिस से दिलाओ, यही काफ़ी है हमारे लिए, बाकी हम हमारी जो लड़ाई है कानूनन लड़ाई वो हम लोग लड़ने के लिए सक्षम है, बस ये मेरा कहना है।